ये डोंगरडोला गांव जो कि नगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये वहां की घटना है जिसमें दुगली डीआरजी में पदस्थ सहायक आरक्षक मनोहर मक्का की असामान्य परिस्थितियों में दिनांक 4 फरवरी को मृत्यु हो गई थी। अपने ससुराल में मृत्यु होने के बाद जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने रिपोर्ट को होमिसाइडल प्रकृति का होना बताया, जिस पर से नगरी थाना में ही अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान काफी सारे साक्ष्य संकलित किए गए और परिजनों से भी पूछताछ की गई। किसी भी प्रकार के अन्य कोई संदेह और व्यक्तियों पर नहीं हुए। इसमें एक बात और सामने आई कि ये मृतक शराब सेवन करने का आदि था और शराब सेवन करके वो अपने परिवार के साथ में भी मारपीट करता था और विवाद करता रहता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसकी स्वयं की पत्नी और उसकी साली ने ये साजिश रची थी और मौका पाकर उसकी हत्या की। प्लानिंग किया जाता है।